हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे। तो बात कुछ ऐसी है कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब गांव से आए थे तो उसी दिन पहले दिन रात को मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा आंधी बारिश वगैरह हुई थी, बहुत ज़्यादा। और जो है धूल मिट्टी ऐसी हो रखी ना, क्योंकि हम मतलब डिसाइड करके नहीं गए थे कि हमने एक दिन वहाँ होल्ड करना है। हम ऐसे गए थे कि हमने आज ही घर आना है। तो अभी मैंने जो है चावल वगैरह चढ़ा दिए हैं। वैसे तो हमने मेरी मम्मी के घर पे खाना था खाना, लेकिन यहाँ पार्लर में कस्टमर आ रहे थे तो नानी और बच्चे वहीं उतरे मम्मी के घर पे, और हम दोनों जने घर आ गए। तो चावल चढ़ा दिए मैंने और दाल मेरी मम्मी ने उबाल रखी है, तो उनको तड़का लगा के जो है मैं लेकर आऊँगी। कस्टमर भी मैंने अटेंड कर दिए हैं और नॉर्मली अभी बस कुर्ता चेंज करा है, अभी नहाए वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि नहाना कहाँ से, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है ना, भयंकर हो रखी है। तो इसको सोच रही हूँ कि पहले इसको निपटा देते हैं, उसके बाद ही जो है नहाने धोने का मज़ा आएगा और तब फिर आराम कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी धूल आंधी हुई। और यहाँ देखो मिट्टी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी आ रखी है, देखो यहाँ पीछे से। जबकि मैंने दोनों दरवाजे लगा रखे थे, जाली वाले भी और ये वाला भी, पर नीचे से ना छिटकी आया होगा। ये देखो, ये देख सकते हैं। एक ही दिन के लिए हम जो गए और एक ही दिन में ऐसा हो गया, जबकि मतलब इतना ऐसा भी नहीं था, सुबह से ठीक ही था मौसम, और वहाँ पर तो भयंकर बारिश हुई, भयंकर ओले पड़े बहुत ज़्यादा। और मेरे ताऊ के घर में भी जो है लड़ी वगैरह लगने लग गई, क्योंकि वहाँ पर शादी है, वरना हमने रुकना था वहाँ पर 2-4 दिन। तो आज है 20 तारीख और अब वहाँ पर 22 तारीख मेहंदी है, तो लड़ी वगैरह लगने लग गई है वहाँ पर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा, देखो ये वाला घर है ना जो, देखो ये ऊपर दिख रहे हैं आपको, ये लड़ी लग रहे हैं यहाँ पर, डबल स्टोरी है जो ये वाला, ये देखो यहाँ पे, देखो उनकी शादी की वजह से ही हम आए, वरना तो कल संडे था, हम रह सकते थे वहाँ पर। तो बस पहले ये साफ सफाई करती हूँ। और कल का हमने ऐसा छोड़ रखा था ना काम, कि कुछ डिसाइड नहीं था कि जाना ही, वो तो मैंने आप लोग को पिछले व्लॉग में बता ही दिया था। और जल्दबाजी में नानी यहाँ भी नहीं ला पाई मैं नानी को, क्योंकि मैंने कहा यार मैं तो काम करूँगी, नानी फ्रेश वगैरह होना होगा, तो नानी को मम्मी के घर पर छोड़ा है। और बस अब मैं ये सारा काम निपटा के तब चलती हूँ नानी के पास। और नानी ने वैसे आना था शादी के लिए ना 2 दिन बाद, तो हमने कहा आज ही चल ले हमारे साथ। इस वजह से नानी को भी फटाफट तैयार करा और नानी को भी लेकर आ गए हम यहाँ पर। वह मैं जी फोटो देखी, फोटो सोना जय, सोना तो अंदर है, सोना तो कहाँ है? अच्छा हाँ, तुझे टांग क्या था मुख फुलायों की बोलिया। हाय सोना, वीडियो में ना बंद करते हैं। चलो माँ बेटी दोनों तैयार, ये मैं कल लगूं तेरी माँ आई है लगन का ना हुआ यार, अभी तेरी भी ताड़ी वही है बोलिया मेरी माँ आया तुम्हारा। दीदी प्रणाम, चलो सोना मैं जा रही बाइक में, तो तेन तो चलते बोला उसने, बुढ़ी नानी जो थोड़ी बोल रही, छोड़ पड़े जमा। उड़े उड़े।